अगर आपने अभी तक हमारा सैम गुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मंडे। आज हम बात करेंगे, एयरटेल ने एक नया प्लान यहाँ पे लॉन्च किया है। इसके साथ आपको यहाँ पे 240 GB यानी 246 GB डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा इस प्लान के तहत, इस ऑफर के तहत। तो आइए देखते हैं ये कौन सा ऑफर है और कौन सा प्लान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एयरटेल ने यहाँ पे 200 नया प्लान पेश किया है। 240 GB डेटा आपको मिलता है। इसकी कीमत रखी गई है 558 रुपये यानी 558 रुपीज़। यहाँ पे आपको कीमत देकर आपको यहाँ पे 246 GB डेटा मिल जाएगा। ये एयरटेल का एक नया प्लान है। इसका असर इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है और इसका असर किस टेलीकॉम कंपनियों से टक्कर की जा रही है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। एयरटेल का इस प्लान की हर आपको इस प्लान में आपको हर दिन 3 GB डेटा मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। कॉलिंग की कोई सीमा नहीं है यानी अनलिमिटेड, यानी कोई FFP नहीं है, कोई यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन नहीं है। इसकी वैधता जो है, जो बैंस दोनों की इसकी वैधता है। और इस प्लान के साथ आपको हर रोज आपको यहाँ पे 100 SMS मिल जाएंगे। पूरी तरह की ये ऐसा पैक यहाँ पे पेश किया है। आपको 3 GB डेटा मिलेगा हर दिन यूज करने के लिए। अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी यहाँ पे 82 डेज की यानी बैंसी दोनों की यहाँ पे वैधता मिलेगी और 100 SMS भी आपको मिलेंगे। ये है पूरा प्लान जो यहाँ पे एयरटेल ने पेश किया है। इस प्लान की सीधी टक्कर यहाँ पे किस टेलीकॉम कंपनियों के प्लान से हो रही है ये भी देख रहे हैं। इस प्लान का जो मुकाबला होगा वो वोडाफोन के 511 और 561 रुपए वाले प्लान के साथ होगा, क्योंकि जो रेंज यहाँ पे 558 रुपए जो रखी गई है एयरटेल की तरफ से, वो चीपेस्ट रखी गई है, ना कम ना ज्यादा। 511 से थोड़ा सा ज्यादा और जो 561 रुपए से थोड़ा सा कम। यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ पे 3 GB यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ये ऑफर खुला ऑफर वोडाफोन की तरफ से मुकाबला होगा इस प्लान के तहत। अगर आप वोडाफोन नेटवर्क में जा रहे हैं, आपके पास एयरटेल का भी सिम है, तो आप जरूर यहाँ पे इस प्लान को यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोच समझ कर आपको मन में एक शंका भी उपस्थित हो जाएगी कि यार मैं एयरटेल का रिचार्ज मारूं या फिर वोडाफोन का। मेरे एरिया में एयरटेल का नेटवर्क 4G अच्छा है या वोडाफोन का 4G नेटवर्क अच्छा है। मेरे ख्याल से जिस ऑपरेटर का आपके इलाके में बेस्ट स्पीड आती है, आप उसी का ही रिचार्ज करवा लो। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां तो हर यहाँ पे कुछ दिन में यद कुछ ना कुछ प्लान, नए नए प्लान इस्तेमाल करती है, लेकिन हमें यूज करने का है। अगर हम समझो, मेरे ख्याल से मेरे इलाके में जो अगर एयरटेल का सबसे अच्छा नेटवर्क आता है और मुझे अच्छा प्लान लगा वोडाफोन का जो 511 वाला है, तो मैं 511 वाला जो प्लान जो रिचार्ज करवा के मुझे इतनी अच्छी स्पीड नहीं मिल रही, तो फिर मेरे इस रिचार्ज या इस प्लान का क्या मतलब। वही प्लान अगर मैंने जो एयरटेल का 558 रुपए वाला जो मारा, तो मुझे उस हाई स्पीड जो मुझे जितना हाई स्पीड मिलता था उससे बेटर मिल रहा है वोडाफोन से, तो मेरे इलाके में एयरटेल अभी अच्छा है, तो मैं यहाँ पे एयरटेल के प्लान के साथ ही जाऊंगा। वैसे ही हर टेलीकॉम कंपनियां अगर आपको जो प्लान जो निकालती है आपके इलाके में, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना उसे यूज करते हैं, उस हिसाब से आप रिचार्ज करवा लो। क्योंकि ऐसे अगर ये लुभावने ऑफर निकाले तो आप उसके पीछे ऐसा मत जाओ। आपके इलाके में सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा है ये आप देख लीजिए, बाद में आप यहाँ पे उसे ही रिचार्ज करवा लीजिए। अगर आपके पास एक ही सिम है और उस सिम को देखने का एक अदर सिम कैसे चलते हैं, आप फ्रेंड सर्कल में आप उसे पूछकर आपको इसकी जो इंफॉर्मेशन है आप निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।